आज की वीडियो में हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना सीखेंगे। यदि आपके फोन में लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने की फैसिलिटी नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। YouTube में इंग्लिश वीडियो या मूवी को हिंदी में कैसे देख सकते हैं सीखना चाहते हो तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हो तो काइंडली सब्सक्राइब एंड हिट द बेल। मेरा फोन पुराना है तो इसमें लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कई बार मुझे बहुत जरूरत महसूस होती थी लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेने की। तब मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे ये वाली ऐप मिली। आइए देखते हैं इसकी वर्किंग। देखिए, ये है वो ऐप, स्क्रीन मास्टर। 4.1 स्टार की रेटिंग है, 9.6 MB की ऐप है और 5 मिलियन प्लस इसके डाउनलोड्स हैं। चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। देखिए, ये जो आइकॉन बन के आ गया है इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब ज़रूरत महसूस ना हो तो इसको नीचे क्लोज कर दीजिएगा, ठीक है। अभी हम लंबा स्क्रीनशॉट लेना आगे सीखेंगे, कैसे हम लंबा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग को देख लेते हैं, ये ऐप कैसे काम करती है। आप स्क्रीनशॉट को बहुत सारा चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपके स्क्रीनशॉट्स रहेंगे जो आपने खींचे हुए हैं। ये मेरे पहले के स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर एडिट में आइए। यदि आपको किसी स्क्रीनशॉट को चेंज करना है तो आप आइए यहाँ मार्कअप फोटो पर। हम इस फोटो को लेते हैं। देखिए, यदि आप इस फोटो को क्रॉप करना चाहते हैं, क्रॉप पे आइए। यहाँ से आप जिस भी साइज में क्रॉप करना चाहें क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। बैक करते हैं। कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ से टेक्स्ट लिख सकते हैं। कोई स्टिकर लगाना चाहते हो यहाँ से स्टिकर लगा सकते हैं। कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। किसी चीज़ को स्पॉटलाइट में दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ जाना होगा। ये देखिए, आप देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसके बाद इसको कर दीजिए ओके। यदि आप इस फोटो के ऊपर कोई और फोटो ऐड करना चाहते हैं तो फोटो पर आइए। ये मेरा एक पहले का स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप यहाँ पर इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं और सही को दबा दीजिए। एक स्क्रीनशॉट के आगे यदि आप और स्क्रीनशॉट जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए स्टिच फोटो वाला ऑप्शन है। यहाँ पर आइए, फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा, 1, 2, 3, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं अप्लाई। फोटो का डायरेक्शन वर्टिकल रहेगा या हॉरिजॉन्टल रहेगा वो आप डायरेक्शन से चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसे कर देते हैं सेव। वेब पेज को कैप्चर करना चाहते हो तो उसके लिए वेब कैप्चर पर जाइएगा। इसके बाद हम यहाँ पर URL को पेस्ट करेंगे। ये है हमारा वेब पेज। ये देखिए, ये काफ़ी लंबा है। इसे हम करते हैं शेयर। कॉपी लिंक को दबाइएगा। इसके बाद हमें यहाँ आना होगा और इसे पेस्ट करना होगा। देखिए, ये है वो पेज। यदि आप पूरा पेज कैप्चर करना चाहते हैं तो कैप्चर होल पेज को दबा दीजिए। पूरा पेज सेव हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, पूरा पेज इसने सेव कर दिया है। यदि आप पेज के किसी खास हिस्से को लेना चाहते हैं तो स्टार्ट हियर को दबाइए। देखिए, ये लाइन बन के आ गई है। और एंड हियर को दबा दीजिए तो ये इतने खास हिस्से को कैप्चर कर लेगा। अब हम लॉन्ग स्क्रीनशॉट यानी कि लंबा स्क्रीनशॉट लेना सीखेंगे। ग्रीन बटन को दबाइए, फ्लोटिंग आइकॉन आ गया है। अब हम जाते हैं यूट्यूब पर। लंबा स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमें इसे दबाना होगा। इसके बाद जाइए स्टेज पर। इसके बाद इस प्लस के बटन को दबाना होगा, ओके करिए। एक परमिशन देनी होगी इसे। एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाइएगा और यहाँ पर स्क्रीन मास्टर को ऑन कर दीजिएगा। ये हमने कर दिया ओके। फ्लोटिंग आइकॉन को दबाइए, फिर आपको स्टेज को दबाना होगा। प्लस को दबाइए और दबाइए। ये देखिए, ये ऊपर स्क्रीनशॉट इकट्ठे होते जा रहे हैं। 4 हो गए, 5 हो गए। इसके बाद इस सही के निशान को दबा दीजिए। कैंची के निशान को दबा के स्क्रीनशॉट को ट्रिम कर सकते हैं। देखिए, ये है पूरे स्क्रीनशॉट। आप इनका डायरेक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप वर्टिकल चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कर दीजिए सेव। ये पूरा सेव हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और भी इसके फंक्शन है, आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा।